बच्चों, आज हम गैफी जिराफ और उसके दोस्त सनी गिलहरी की एक दिलचस्प कहानी सुनेंगे और दो अंकों वाली संख्याओं को जोड़ना, 40 तक। सनी, कल मेरी माँ का जन्मदिन है। मैंने और मेरे पिताजी ने एक बड़ी सरप्राइज पार्टी की योजना बनाई है। बहुत मजा आने वाला है। वाह, यह बहुत मजेदार लगता है। हाँ, ये करने में तो बहुत मजा आएगा, लेकिन मुझे बहुत सारी तैयारियां करनी है। मुझे घर को सजाने के लिए गुब्बारे और रंग बिरंगी मोमबत्तियां खरीदनी है। मुझे एक केक भी चुनना है और कई सारी चॉकलेट्स भी खरीदनी है। चिंता मत करो गैफी, मैं इन सब में तुम्हारी मदद करूंगी। धन्यवाद सनी। क्या तुम मुझे चॉकलेट्स गिनने में मदद करोगी जिन्हें मुझे खरीदना है? अच्छा, मुझे यह बताओ, तुमने जन्मदिन के लिए कितने लोगों को बुलाया है? गैफी ने कुछ देर सोचा और जवाब दिया। मैं उनके 19 दोस्तों और हमारे परिवार के 20 सदस्यों को पार्टी के लिए बुलाया है। बच्चों, क्या आप जानते हैं कि गैफी को कितनी चॉकलेट्स खरीदनी होंगी? उन्होंने 19 दोस्तों और परिवार के 20 सदस्यों को आमंत्रित किया। आइए सबसे पहले संख्याओं को क्षैतिज प्रारूप में लिखें, जिसका अर्थ है स्लीपिंग लाइन में नंबर लिखना। सबसे पहले हम इकाई के स्थान की संख्याएं जोड़ते हैं। शून्य में 9 जोड़ 9 होते हैं, इसीलिए हम यहाँ ऐसे 9 लिखेंगे। इसके बाद हम दहाई की जगह संख्या जोड़ते हैं। 1 में जोड़ 2 जो 3 के बराबर है, इसीलिए 19 जोड़ 20 हुआ 39। अब बच्चों, हम इन संख्याओं को लंबवत प्रारूप से भी व्यवस्थित कर सकते हैं, जिसका अर्थ है कि संख्याओं को एक खड़ी पंक्ति में लिखना। इसी तरह हम पहले इकाइयों के स्थान पर संख्याओं को जोड़ेंगे। 9 में जोड़ 0 जो हमें 9 देता है। इसके बाद हम दहाई के स्थान में संख्याओं को जोड़ेंगे। 1 में जोड़ 2 जो कि 3 है। तुम्हें 39 चॉकलेट्स खरीदने की जरूरत है। वो दोनों मुस्कुराते हैं और एक साथ चले जाते हैं। बच्चों, अब आपकी बारी है 40 तक बिना कैरी ओवर के जोड़ने की। मान लीजिए गैफी और सनी के पास गुब्बारे के 2 पैकेट हैं, जिन्हें उन्हें जन्मदिन की पार्टी के लिए फुलाना है। एक पैकेट में 22 गुब्बारे और दूसरे पैकेट में 15 गुब्बारे हैं। उन्हें कुल कितने गुब्बारे फुलाने हैं? आप संख्याओं को स्लीपिंग लाइन से जोड़ सकते हैं या आप उन्हें लंबवत रूप से भी जोड़ सकते हैं। इसका जवाब पता लगाएं और उत्तर को अपने दोस्तों या माता-पिता के साथ शेयर करें।